ये नोजल इस पार्ट को हम कहते हैं नोजल, ठीक है, ये नोजल कैप उतार देनी है, नोजल लगा, ठीक है, ये मेन पाइप है, ठीक है जी। इस मेन पाइप के साथ आपका गैस कॉक लगा होता है और गैस कॉक से हमारी जो गैस है वो इसके अंदर आती है मिक्सिंग ट्यूब में। मिक्सिंग ट्यूब से आने के बाद ये बर्नर के ऊपर हम जब आग जलाते हैं तो तब आग जलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि गैस तो यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे सुराख है तो यहाँ से लीकेज क्यों नहीं होगी। लीकेज इसलिए नहीं होगी, आग को जलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन ये यहाँ से एलपीजी निकल रही है और एलपीजी जब ये आगे की तरफ जा रही है तो ये यहाँ से ऑक्सीजन को सक कर रहा है और ऑक्सीजन को सक करके यहाँ पे इसका नाम मिक्सिंग ट्यूब क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एलपीजी और ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद ये इसमें मिक्स हो जाती है सारी की सारी गैस और ये यहाँ पर जलना शुरू हो जाता है। इन केस के वो जो सुराख मैंने अभी दिखाया अगर वो सुराख बंद होगा तो उस केस के अंदर आपके चूल्हे में पीली लो आएगी। तो इसके अंदर हमको नीली लो चाहिए, अगर नीली लो नहीं होगी, ब्लू फ्लेम नहीं होगी तो बर्तन को काले करना होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो पाइप होता है, जो हरे वाला पाइप होता है, वो उसका जो डाया होता है मतलब जो सुराख होता है वो 5 mm का होता है। उसके बाद जब नोजल में आता है तो वो 4.5 mm हो जाता है। उसके बाद जब गैस कॉक में आता है तो वो 2 mm हो जाता है और उसके बाद जेट पे जब आता है तो जेट के ऊपर 0.7 mm हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? बड़ी चीज को जब आगे छोटा लगाएंगे फिर उससे छोटा करेंगे उससे छोटा करेंगे तो एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल के ऊपर ये सारा काम।